ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंदीदा और प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसी की तर्ज पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में खेतीबाड़ी से संबंधित उत्पादों के ओडीओपी की घोषणा की है। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट। खेतीबाड़ी से संबंधित उत्पादों के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद की सूची में प्रदेश के 45 जिले शामिल है। योजना सफल रही तो प्रदेश के लाखों किसानों के हित में मील का पत्थर साबित होगी। इन उत्पादों के चयन में संबंधित फसल उत्पादन के लिए कृषि जलवायु क्षेत्र की उपयुक्तता, उत्पादक की गुणवत्ता, स्वाद, सुगंध, पौष्टिकता, औषधि गुणों और निर्यात की संभावनाओं को मानक बनाया गया है। यही नहीं, संबंधित जिले के किसानों की फसलों की कौन सी प्रजाति लगाएं इसकी भी संस्तुति की गई है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वर्षों में बुंदेलखंड, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और सोनभद्र के चने का देश भर में जलवा होगा। बदायूं का बाजरा अपनी इस उपलब्धि पर इतराएगा। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा की ताज़ी सब्जियां देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की सेहत बनाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हरी मिर्च और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के काला नमक धान की खेती करने वाले किसानों की भी संभावनाएं बेहतर हो जाएंगी। मालूम हो कि ओडीओपी की संभावनाओं के मद्देनज़र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2018 में ही इसकी घोषणा कर दी थी। प्रदेश सरकार द्वारा घोषित ओडीओपी में भी कई उत्पाद, मसलन काला नमक धान सिद्धार्थनगर, केले का रेशा कुशीनगर, केला कौशाम्बी, गुड़ अयोध्या, मुजफ्फरनगर आंवला, प्रतापगढ़ दाल, बलरामपुर गोंडा देसी घी, औरैया गेहूं के डंठल से बनने वाले हस्तशिल्प, बहराइच लकड़ी के खिलौने, चित्रकूट लकड़ी की कलाकृतियां, सहारनपुर बस्ती, बिजनौर, रायबरेली मूछ के उत्पाद, प्रयागराज अमेठी, सुल्तानपुर खेतीबाड़ी से ही जुड़े हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा ओडीओपी योजना के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन से प्रदेश के किसानों और खेती का कायाकल्प हो सकता है।